हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। हिमाचल संपूर्ण ज्ञान सीरीज़ में आज हम स्वांगला जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले की जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में हिमाचल संपूर्ण ज्ञान सीरीज़ का फोल्डर बना है, तो ज़रूर आप अटेंड कर लीजिए। दोस्तों, स्वांगला जनजाति जो है वो पट्टन घाटी और चंद्रा घाटी यानी कि लाहौल स्पीति में ये जनजाति पाई जाती है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? स्वांगला जनजाति में हिंदू और बौद्ध दोनों आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन भाषाओं का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। मनछेद और निचाली सिपी लोगों द्वारा ये बोली जाने वाली भाषा है, अपनी खुद की भाषा है इनकी। ठीक है, अब दोस्तों याद कैसे रखें, क्योंकि हमने किन्नर जनजाति के बारे में पढ़ा, गद्दी के बारे में पढ़ा, गुज्जर जनजाति के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम पीछे पीछे का बोल रहे हैं या पीछे का स्किप हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप बोल ना पाओ। अब दोस्तों स्वांगला में आप लास्ट का वर्ड पकड़ो, गला। ठीक है, गला यानी कि दोस्तों हम अपने गले से अपने मन की आवाज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि गले से मन की आवाज़ निकाल सकते हैं, गले से मन, मनछेद, निकाल यानी कि निचाल। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ट्रिक पता चल जाएगा। ठीक है, सीपी लोगों द्वारा ये बोली जाती है, क्लियर। दोस्तों भोटी लैंग्वेज जो है वो यानी कि बोली, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे इसको दोस्तों, हम बोली होगी ये। ठीक है, यानी कि उपबोली भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अपनी ये स्वांगला जनजाति की बोली है, ये बौद्धों द्वारा ये बोली जाती है। लेकिन भोटी जो बोली है वो लाहौल स्पीति के जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बौद्धों के द्वारा ये भोटी जो बोली है वो बोली जाती है, क्लियर। तिनान सिसु क्षेत्र में ये बोली जाती है। दोस्तों अगर आपको लिखने के लिए आता है, मान लीजिए कि मेंस में आपको लिखने के लिए आ गया कि किन्हीं तीन जनजातियों के बारे में, या फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं स्वांगला, खंपा या फिर गुज्जर जनजाति के बारे में लिखिए, तो अगर आप स्वांगला जनजाति के बारे में लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। प्री तो आपका क्लियर होगा ही होगा, लेकिन प्री जॉब जॉब आपको मेंस क्लियर करके ही मिलेगी, चाहे आप प्री 10 बार निकाल दो जॉब नहीं मिलेगी, मेंस क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका प्री और मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर हो रही है। अब दोस्तों भोजन की हम यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों भोजन में चिलरा यानी कि जौ की रोटी को कहते हैं, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, इसको रोज़ क्या किया जाता है कि जौ की रोटी खाने को दी जाती है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज अपने आपको भी यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि अगर आपको रोज़ जौ की रोटी कौन खाएगा? ठीक है, अगर आपको दी जाती है मान लीजिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चिल्ला कर बोलोगे कि मुझे नहीं खानी है। ठीक है, तो चिल्ला यानी कि चिलरा, थोड़ा सा हल्का सा एक टोन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि चिलरा भोजन, ठीक है, यहाँ पे जो स्वांगला जनजाति की, ठीक है, तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। छांग स्थानीय शराब को यहाँ पे कहते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए और हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, तो दोस्तों विवाह प्रथा। अब दोस्तों यहाँ पे भी स्वांगला जनजाति की विवाह प्रथाएं होती हैं, किन्नर जनजाति में भी हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, उनकी भी अपनी एक विवाह प्रथाएं थी, जिसमें लव मैरिजेस, प्रेम विवाह को कुछ और नामों से कहा जाता था, जबरन जो विवाह थे, जो फोर्स्ड मैरिजेस थी उनमें कुछ और नाम थे, तलाक को वहाँ पर कुछ और नाम से कहा जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल रहे हैं? अगर भूल रहे हैं तो 2-3 बार रिपीट कर लेना इन वीडियोज़ को, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वांगला जनजाति में प्रेम विवाह को रूसा ते ब्याह, ठीक है, ये कहते हैं। रूसा यानी कि दोस्तों आप थोड़ा सा हल्का एक टोन भी बना सकते हैं, रूठना मनाना। ठीक है, प्रेम विवाह लव मैरिजेस में ये आम चलता रहता है। ठीक है, हरण विवाह यानी कि जो भी जबरन विवाह होते हैं, ठीक है, फोर्स्ड मैरिजेस जो होती हैं, ठीक है, यानी कि उठा करके ले जाते हैं, ठीक है, हरण विवाह। ठीक है, तो कुआ ते ब्याह यानी कि कुआं से भी आप थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हरण कर लेगा कोई तो जबरन विवाह होगा तो यानी कि कुएं में उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को कि कुआं विवाह हरण विवाह को कहा जाता है और ये स्वांगला जनजाति से रिलेट है। ठीक है, समझौते के अकॉर्डिंग जो भी मैरिजेस होती हैं यानी कि कॉम्प्रोमाइज मैरिजेस, ठीक है,
दोस्तों समझौते के अनुसार यहाँ पे एक और बात, यानी कि जब लड़का कमाने लायक हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्याह कर लेता है, यानी कि शादी जो वो कर लेता है, यानी कि खर्च उठाने वाला हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मजमी ब्याह उसको कहते हैं स्वांगला जनजाति में, मजमी ब्याह। कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा अकॉर्डिंग यहाँ पे सोच कर देखिए कि समझौते के अकॉर्डिंग ब्याह हो रहा है, ठीक है, शादी हो रही है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ मैरिज हो रही है, ठीक है, तो मजमी ब्याह यानी कि दोनों ही रेडी है, ठीक है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा यानी कि छेती, कैसे याद रखेंगे कि छेती छेती दहेज प्रथा जो वो ख़त्म होनी चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी, पंजाबी में बोलते हैं छेती छेती, यानी कि जल्दी जल्दी, तो दहेज प्रथा जितनी छेती छेती ख़त्म होगी ठीक रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी भी स्टोरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये थोड़े से टिपिकल वर्ड रहते हैं तो ये माइंड में याद नहीं रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक के जरिए भी जो भी एकदम से मेरे को याद आ रहा है तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ पे बच्चों से जुड़ी कुछ प्रथाएं भी हैं, ठीक है, जैसे छठी या अन्ना प्रसन्ना, ठीक है, जब भी 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तों उसको कुछ खाने को दिया जाता है, ठीक है, कुछ भी उसको खाने को दे सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे छठी यानी कि 6 से आप 6 माह की बात हो रही है, अन्ना प्रसन्न यानी कि कुछ अन्न देना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो बच्चों को पहले भोजन करवाने की प्रथा है ये स्वांगला जनजाति में, ठीक है। 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो स्वांगला जनजाति में क्या कहा जाता है, क्रमोग, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको लिखने के लिए आया है स्वांगला जनजाति के बारे में और आप इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं लेकिन अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है, तो सोचिए जो आपका पेपर चेक करेगा वो आपको फुल मार्क्स देगा कि देगा ही नहीं, ठीक है। दोस्तों आपको पूरे के पूरे मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लड़कियों में किशोरावस्था जब होती है तो उसको कहते हैं नंछेद, ये स्वांगला जनजाति में, ठीक है। तलाक को तसुद बागची कहा जाता है, ठीक है, और किन्नर जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है, थाग शिंग टांग टांग, ठीक है, ये कहा जाता है। और किन्नर जनजाति में सामान्य विवाह यानी कि जो नॉर्मल मैरिजेस होती हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं, ठीक है, जने टांगे जने कांग, ठीक है, इनके बारे में जब हिमाचल का जब हम कल्चर रीड करेंगे दोस्तों तब आपको एक पॉइंट पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम थोड़ी सी स्टोरी भी ऐड करेंगे ताकि आप एक स्टोरी की तरह उस चीज़ को रीड कर सको, ठीक है। अब दोस्तों पंगवाड़, पंगवाड़ यानी कि संपत्ति का बंटवारा मरने के बाद पुत्रों को दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक और रीड की थी गद्दियों के बारे में, चुंडावाद और मुंडावाद, जिसमें दोस्तों मुंडावाद क्या था कि जब पिता की डेथ हो जाएगी तो उसकी जो संपत्ति है वो किस में मिलेगी, पुत्रों को मिलेगी, ठीक है। और जो हमारी जो चुंडावाद थी, ठीक है, यानी कि किसी की अगर 2-3 पत्नियां हैं, ठीक है, अगर पति की डेथ होगी तो पहले पत्नियों को मिलेगी वो चीज़, फिर बाद में वो पुत्रों को मिलेगी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था। और पंगवाड़ में क्या होता है दोस्तों, यानी कि स्वांगला जनजाति में जो संपत्ति का बंटवारा है वो मरने के बाद पुत्रों में होता है, ठीक है। गैल्पा पंथ की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो ये बौद्ध का एक पंथ है, ठीक है, जिसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखने के लिए आती हैं तो आप एक अच्छे से लिख सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या रीड करने वाले हैं, हिमाचल का जन्मदाता, यानी कि दोस्तों विधाता भी उनको हम कह सकते हैं, जन्मदाता भी उनको कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर YS परमार के बारे में हम बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे, उनके स्टार्टिंग से लेकर उनकी डेथ तक और कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। क्योंकि दोस्तों चाहे वो HPPSC का, HPSSC, क्लर्क, HS, एलाइड, कोई भी एग्ज़ाम है, डॉक्टर वाइस परमार से दोस्तों आपसे क्या होता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, या तो फिर आपको आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा या फिर दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर्स के लिए भी जुड़े रहिए और लाइक करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।